हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय बुक और उसके लेखक के बारे में जानेंगे, जो कि रेलवे एसएससी या स्टेट में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट ही है। तो आप सेशन में बने रहें और आई होप कि सेशन अच्छा ही लगेगा। नाउ लेट स्टार्टेड। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। देखेंगे अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। फिर देखिएगा इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। फिर देखिएगा मेघदूत एन कुमार संभव, मेघदूत एन कुमार संभव जो कि कालिदास ने लिखे हैं, और मेघदूत और कुमार संभव दोनों का लेखक कालिदास हैं। फिर देखेंगे बम का दर्शन भगवती चरण बोहर ने लिखे हैं, और फिर अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास ने लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए अभिज्ञान बहुत सारा ज्ञान सा रिलेट करके याद कीजिए, जो कि कालिदास लिखे हैं। फिर मुद्रा रक्षक विशाख दत्त लिखे हैं, मुद्रा रक्षक विशाख दत्त लिखे हैं। फिर हाफ ए लाइफ बी एस नईपाल ने लिखे हैं, हाफ ए लाइफ से बी एस नईपाल। फिर देखिए कामसूत्र, कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्स्यायन है, वात्स्यायन है। फिर राजतरंगिणी की पुस्तक के लेखक कल्हण है, कल्हण। देखिए राजतरंगिणी नी और लास्ट में कल्हण न और नी, तो रिलेट कीजिए राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण। फिर देखेंगे हर्षचरित या कादंबरी के लेखक वानभट्ट है, हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी वानभट्ट, वानभट्ट। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद की लेखक है जय सिंह, गीत गोविंद जय सिंह नहीं कहते हैं, गीत गोविंद, गीत गाइए जय 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 सिंह, ओके। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवर दाय, चंद्रवर दाय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवर दाय। फिर स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है सोहरे, सोहरे। मान लीजिए स्पीड अगर जल्दी कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा शोभा देगा ना, स्पीड पोस्ट के लेखक है सोहरे, सोहरे। फिर देखिए शाहनामा, शाहनामा के लेखक है फिरदोशी, शाहनामा के लेखक है फिरदोशी। आईने एक बड़ी पुस्तक के लेखक है अब्दुल फजल, आईने एक बड़ी पुस्तक के लेखक है अब्दुल फजल। काव्य, काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर, ठीक है। बाबरनामा के लेखक है बाबर, और अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबर तो ब से अबुल, बुल तो अकबुल फजल, ओके। हुमायूं नामा के है गुलबदन, हुमायूं नामा के है गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। तो देखिए माँ यहाँ पे है और फिर माँ यहाँ पे है, तो बेगम तो गुलबदन बेगम। फिर नेक्स्ट देखेंगे अकबरनामा, ये तो हो गया गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल। देखिए मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो क्या है नागसेन, ठीक है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक है अश्वघोष, ठीक है बुद्ध चरित्रम। फिर देखिएगा पाथेर पांचली पुस्तक के लेखक है विभूषण बांधो, बांधोपाध्याय। फिर है मालगुडी डेज, मालगुडी, मालगुडी डेज गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण। विनय पत्रिका पुस्तक के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारतीय संकेत पुस्तक के लेखक है मिथि लिसरन गुप्त। यामा, यामा 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 पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा, यामा वहाँ से रिलेट हो रहा है देवी, महादेवी वर्मा। वंदे मातरम पुस्तक लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पूछे गए हैं वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद चटर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सूर्य का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर
भारती ने लिखे हैं। सूरिका सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती लिखे हैं। यंग इंडिया पुस्तक लेखक महात्मा गांधी, यंग इंडिया पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। एक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ भी लिखे हैं महात्मा गांधी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ भी लिखे हैं महात्मा गांधी, ठीक है। और यंग इंडिया पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। फिर देखेंगे नेक्स्ट में लाइफ डिवाइड, जो कि अरविंद घोष लिखे हैं। लाइफ डिवाइड में पुस्तक लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष किसका लेखक है? लाइफ डिवाइडेड। पर अरविंद घोष के थोड़ा सा और देखें तो इन्होंने और बुक लिखे हैं, जो कि एक युगांतर के नाम से भी जाना जाता है। युगांतर, 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 लाइफ डिवाइड हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो अरविंद। और एक और लिखे हैं वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जो कि अरविंद घोष लिखे हैं, लाइफ डिवाइड। और कर्मयोगी भी लिखे हैं एक, कर्मयोगी, कर्मयोगी। तो देखिए कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइडेड, अरविंद घोष लिखे हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चारों बोलने का प्रयास करते समय कर्मयोगी तो अरविंद घोष, युगांतर अरविंद घोष, वंदे मातरम लाइफ डिवाइड, लाइफ डिवाइस, तो ये सब अरविंद घोष लिखे हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट में है भारत की खोज का पुस्तक लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू की खोज पुस्तक लेखक है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई है। इंटरनल इंडियन माई एक्सपीरियंस इज ट्रूथ, वही महात्मा गांधी है। तमस भीष्म साहनी, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये लिखे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक लाइफ डिवाइडेड बोले थे और एक इंडिया डिवाइडेड, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। एक मैंने बोले थे लाइफ डिवाइडेड, लिखे थे क्यों? अरविंद घोष, ठीक है। और एक बोल रहे हैं इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे, इंडिया डिवाइडेड, क्योंकि पूछ जाते हैं इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए गीतांजलि और गोरा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, ठीक है। गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए नाथ टैगोर, ओके, गोरा, गो से गोरा और गो से गोर, तो टैगोर आता है, इसलिए रिलेट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, देखिए प्रकाश है, लाइट है, यानी एजुकेशन से रिलेट करिए, सरस्वती प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर। फिर गोदान, गबन और क्रमभूमि मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी, मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम लिखे हैं। और इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि APJ अब्दुल कलाम ही लिखे हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, UR बेक्टरमन लिखे हैं। हितोपदेश, हितोपदेश पुस्तक लेखक है नारायण पंडित। और ए सूटेबल बॉय का विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय के पुस्तक है विक्रम सेठ। विक्रम एक स्टूडेंट है, मान लीजिए रिलेट करने के लिए, इसे मैं याद कराने के लिए सब बोल रहा है। जैसे मान लीजिए ए सूटेबल बॉय, एक सूटेबल बॉय है, तो विक्रम सेठ, अच्छा सेठ की तरह दिखाते हैं। फिर देखिए मालती माधव, भवभूति, इसका लिखा है। फिर है ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीदर सी चौधरी। फिर थोड़ा सा जैसे दीन बंधु एक हैं, जो कि लिखे हैं नील दर्पण पुस्तक के लेखक, अनहैप्पी इंडिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? लाला राजपत राय। कौन है? लाला राजपत राय, ठीक है। इसके बाद अगर फिर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसके बाद भारत में अंग्रेजी राज, सुंदरलाल लिखे हैं। फिर थोड़ा सा देखेंगे इंडिया फॉर इंडियंस रहेगा तो सीआर दास होगा आंसर। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक है सीआर दास, ओके। नेक्स्ट में अगर थोड़ा सा और देखेंगे पुस्तक में, तो देखिए एक है आपको जैसे मदन मोहन मालवीय, मदन
हल्बी भी पुस्तक लेखक है, जैसे कि वो लिखे हैं लीडर, अभी गो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पुस्तक की अगर बात करें, हिंदुस्तान और एक हो जाएगा लीडर, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है आपको? मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन है। तो ये पुस्तक है मदन मोहन। बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखे हैं, द मराठा लिखे हैं, और गीता रहस्य केसरी, केसरी एक केसरी हो गया, एक हो गया द मराठा, और एक वो आपको मिलेगा गीता रहस्य। गीता रहस्य जो लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बाल से केस, केस मैंने बाल भी होता है, तो बाल गंगाधर तिलक। और फिर एक बोले मराठा, मराठा मराठा, गीता रहस्य, रहस्य तो कुछ छुपा है, रहस्य बाल गंगाधर तिलक याद कर लीजिए। अरविंद घोष बता ही दिए थे, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिपेंडेंट। फिर एक अगर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं, जैसे मैं डिस्कस करूँगा, जैसे मैं एक पेज लेता हूँ, जैसे यहाँ मान लीजिए, अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें और पुस्तक लिखे हैं, एक पुस्तक आपको लिखे हैं डिस्कोरेस ऑफ इंडिया, डिस्कोरेस ऑफ इंडिया, जो कि जेल में थे उस टाइम पे, इन्होंने लिखे हैं। एक बुक हो गया डिस्कवर ऑफ इंडिया। दूसरा बुक की बात करेंगे मेरी कहानी, ना मेरी कहानी, और एक है गिलिप्स, गिलिप्स वर्ल्ड हिस्ट्री, गिलिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये तीनों बुक लिखे हैं लाल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए। ये इम्पोर्टेंट बुक था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। और एक बात, एक और बुक है जो कि बहुत पूछे जाते हैं, द इंडिया, सॉरी द इंडिया, द इंडिया आई लव, ना, ये पुस्तक के लेखक है रूस्किन बॉन्ड। कौन लिखा है? रूस्किन बॉन्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा देखेंगे, जैसे मैं एक पुस्तक का लेखक है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो कि एनी बेसेंट लिखे हैं, और ये पूछे हुए प्रश्न है इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक है कॉमनवेल्थ और एक है न्यू इंडिया, ना न्यू इंडिया, ये इनका लेखक है इसका लेखक है एनी बेसेंट, सॉरी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पुस्तक लिखे हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। इसके बाद फिर और देखेंगे तो इम्पोर्टेंट में मुझे एक और लगता है पुस्तक, जैसे नील दर्पण, दीन बंधु ही बताए दिए थे, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, फिर इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, सब इम्पोर्टेंट था, मैंने डिस्कस कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।